तो दोस्तों कुछ ऐसा है हमारा सेटअप मोटो व्लॉगिंग का। यहाँ पे हमने सैमसंग का A50 मोबाइल फोन जो है वो माउंट किया है, और इसमें ये जो है माउंट जो है वो है एक्शन प्रो का जो है माउंट है, वो यहाँ पे जो है स्ट्रिप से लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे हमने बोया का M1 माइक जो है वो यूज किया हुआ है। माइक को जो है अंदर से वो काफी अच्छी तरह से प्लेस किया हुआ है, क्योंकि इसमें काफी सारे वायर जो है वो काफी बड़ा जो वायर है वो यहाँ पे आता है। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो ये जो माउंट है ये माउंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसको आप जितना चाहें उतना हैवीली इसको टाइट कर सकते हैं और मोबाइल आपका बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट होता है। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से फिट होता है, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इसको टाइट कर सकते हैं। इसमें ये यहाँ पे एक माउंट दिया हुआ है, ये माउंट में डायरेक्ट ये माउंट है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन जो है वो हमने माउंट किया है। और हेलमेट की बात करें तो हेलमेट है एक्सोर का, और इसमें यहाँ पर ड्यूल वाइजर रहते हैं, एक आपको वाइजर अंदर भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसमें इसके अंदर दोस्तों बात करें कि इसमें कैसे हमने इसको माउंट किया है तो मैं बता देता हूं आपको। एक बार इसको निकाल के जो फ़ोन है उसको रहने देते हैं। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं माइक का जो ये प्लेसमेंट है वो हमने यहाँ पर किया हुआ है। इसके अंदर ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा माइक यहाँ पर लगा हुआ है। ये स्ट्रेप्स आप यहाँ पे अंदर कर सकते हैं, इसको स्ट्रेप्स जो है ये एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए हुए हैं। माइक यहाँ काफ़ी अंदर प्लेस किया हुआ है तो आपको इतनी आसानी से दिखेगा नहीं, अब आपको माइक अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। इसके अंदर ही हमने वायर काफ़ी सारा, ये जो पैडिंग दी गई है ये रिमूवेबल पैडिंग होती है, तो इसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा जो वायर है वो हमने यहाँ पर कर दिया है। उसके अलावा बात करें तो दोस्तों तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने जो वायर बचा हुआ है उसको यहाँ पे हाइड किया हुआ है। उसके अलावा ये कुछ पूरा ऐसा सेटअप है, जो स्ट्रेप से कुछ एक्स्ट्रा आते हैं इसको पूरा टाइट करने के बाद आप इसको यहाँ पे अंदर की तरफ इसको ऐसे कर सकते हैं। आप इनको काटेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इससे इनको काटना नहीं है। बाकी ये स्ट्रेप से माउंट है पूरा, ये एक्शन प्रो का हमारे पास यहाँ पे माउंट है, मोबाइल माउंट। इसमें आप GoPro वगैरह भी माउंट कर सकते हैं। हेलमेट आप इसमें कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि आप उसमें रिमूवेबल पैडिंग हो तो आप उसमें आराम से आपका जो माइक का जो वायर है वो आराम से आप उसके अंदर डाल सकें। तो ये कुछ ऐसा हमारा पूरा सेटअप है दोस्तों, ये था हमारा पूरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप मोबाइल के साथ में। आप चाहो तो इसमें GoPro एक्शन कैमरा, कोई भी एक्शन कैमरा आप माउंट कर सकते हो, और इस हेलमेट में जो आपको यहाँ पे है सनवाइज़र भी देखने को मिल जाता है, और कॉस्टली है ये हेलमेट, आप कोई सा भी हेलमेट यूज़ कर सकते हो, पर ध्यान रहे कि उसमें आपको पैडिंग रिमूवेबल हो और थोड़ा अच्छे क्वालिटी का जो आप हेलमेट हो वो यूज़ करें इस सेटअप के लिए, क्योंकि सेफ्टी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द बाइक राइडिंग, सेफ्टी होनी चाहिए। और आगे जो आप फुटेज देखोगे दोस्तों वो आप देखोगे इस सैमसंग के फ़ोन से जो हमारे सेटअप से आएगी। तो आगे बात करते हैं इस फुटेज से। तो दोस्तों ये जो आप फुटेज देख रहे हो ये देख रहे हो मोबाइल से, तो होप कि जो इसमें माइक में जो साउंड है वो बढ़िया आ रही हो, वो अच्छे से कैप्चर कर रहा हो। कभी कभी क्या होता है कि जो वायर जो हिल जाता है उसके कारण माइक जो है वो बंद हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है मोबाइल से, और ये थोड़ा सा कच्चे रास्ते पर हम इसको ट्राई कर रहे हैं। इधर ही आया था मैं ये वीडियो शूट करने के लिए। काफ़ी ठीक ठाक जो है क्वालिटी आपको मिलने वाली है इससे, और गड्ढे काफ़ी ठीक ठाक है, रास्ता थोड़ा कच्चा है, और ये माउंट काफ़ी अच्छा है, इसको काफ़ी अच्छे से मैंने टाइट कर दिया है मोबाइल को, और काफ़ी अच्छी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी अच्छी आएगी, इतना ज़्यादा आपको उसमें वीडियो क्वालिटी में इतना वो फील नहीं होगा। अब मेन रोड पे जो इसकी वीडियो क्वालिटी है वो प्रॉपर पता चलेगी, और जो प्रॉपर एंगल ऑफ व्यू है वो काफ़ी अच्छा एंगल ऑफ व्यू यहाँ पे जो आपको मिल जाता है मोबाइल से भी देखने के लिए। GoPro का जो माउंट आता है GoPro जो काफ़ी वाइड आपको व्यू देता है, उसके बराबर का ही टक्कर का ही जो व्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इससे अच्छी भी काफ़ी अच्छी आप मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। और साउंड का जो है वो साउंड होप की काफ़ी ठीक ठाक आ रहा हो, क्योंकि एक बार जो अपने वायर को अगर छेड़ दिया तो आपकी ऑडियो वहाँ से माइक डिस्कनेक्ट हो जाता है आपके फ़ोन से। तो आप चलते हुए कभी भी माइक के वायर को
फ़ोन में टच ना करें, नहीं तो आपका फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका माइक। और साउंड की जो क्वालिटी है वो होप करते हैं काफ़ी ठीक ठाक आ रही हो, क्योंकि हवा जो है वो काफ़ी अंदर ठीक ठाक जो है वो हवा आ रही है, हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चल रही है, नॉइज़ आपको सुनाई दे रही होगी अगर माइक कैप्चर कर रहा है तो। रोड है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, काफ़ी जो है जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रहते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, क्योंकि उसमें गोप्रो की ही लगभग कॉस्ट जो है वो 30,000 तक आप गोप्रो लेंगे तो 30,000 का हीरो गोप्रो 10 आता है। उसके अलावा आप उसकी एक्स्ट्रा बैटरीज लेनी पड़ती है जो कि कॉस्ट करती है 5-6 हज़ार रुपये, और उसका जो चार्जिंग केस आता है वो आपको लेना पड़ता है समथिंग 8,000 रुपये, मतलब बैटरी और चार्जिंग केस आप वहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं। उसके अलावा बात करें तो उसमें मोड, मीडिया मोड जो है वो आपको लेना पड़ता है गोप्रो के साथ में, और इसमें मीडिया मोड आपको लेना नहीं पड़ता क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट कभी माइक को कनेक्ट नहीं करना पड़ता, मोबाइल में आप डायरेक्ट आपका माइक कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते आपके मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, आप अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मोबाइल से, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आपको बस हेलमेट और आपको जो खर्चा लगेगा वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ माउंट का और माइक का, बाकी हेलमेट तो आप अच्छा वाला ले ही सकते हैं, और ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है। वीडियो क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक आ रही है, 4K 30 FPS में जो है ये शूट हो रहा है, और जो अपलोड करेंगे YouTube पे तो थोड़ी बहुत क्वालिटी गिरी जाती है, पर अभी जो वीडियो क्वालिटी जो आखिरी में निकल के आएगी होप कि वो अच्छी आए, और काफ़ी अच्छी तरीके के यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक जो है यहाँ पे जो वीडियो फुटेज है वो आपको मिलेगी देखने को। और बाहर की जो नॉइज़ है वो काफ़ी कम हो गई है, माइक को पैडिंग के अंदर हमने कर दिया है तो उससे क्या हुआ है कि जो बाहर की जो नॉइज़ है वो काफ़ी कम जो है वो यहाँ पे आ रही है अंदर माइक के, तो एक बार फुटेज मेरे को चेक करना पड़ेगा, एक बार घर पर जाके ही फुटेज एक बार चेक करेंगे तब पता चलेगा कि कैसी आवाज़ जो है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियोस के लिए, और ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।